शगुन, हमारे को शगुन दे दो। क्या हो रहा है यहाँ पर? शगुन इनकी बेटी का नाम है और वो बेटी किडनैप हो गई है सर। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपने इन्हें ये पैसे फौरन नहीं दिए तो बाबू ये लोग मुझे मार डालेंगे बाबू। शगुन के किडनैपिंग केस में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कोई घर का ही आदमी है जो किडनैपर्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन कर रहा है ये। वो जो कुछ साल पहले खुद पेशेवर किडनैपर था और किडनैपिंग के केस में कई बार अंदर जा चुका है। हाय मानव। हाय डॉली। कैसे फोन किया? बस मौसम मस्ताना है, अच्छा बहाना है, ऐसे में मेरा फोन तो आना है। वैसे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मम्मी की थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। क्या ये हर वक्त हेल्प 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 हेल्प? जब फोन करता हूँ तुम किचन में ही होती हो। क्या कर रही हो? मम्मा की हेल्प कर रही हूँ। इसे जिसे तुम हेल्प कहती हो ना, हमारे देश में इसे गुलामी कहते हैं, बंधुआ मजदूर टाइप्स। अपनी बच्ची जैसी दिखने वाली जवान बेटी से इस तरह कोई काम करवाता है क्या? शी 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 शी। बाय मानव। समझा लो उन्हें, हमारे देश में चाइल्ड लेबर एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है और तुम्हारे घर में तो एक बहुत ही जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर आता जाता रहता है, प्रॉब्लम हो सकती है, समझा लो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट मैं बहुत करता हूँ, लेकिन ये क्या तरीका है, हर वक्त भरी हुई बंदूक की तरह क्यों घूमती रहती है? जो सामने आया फायरिंग चालू। और वो हमारे कमिश्नर साहब बेचारे भोले भाले कमिश्नर साहब, उनका तो जीना हराम करके रख दिया है। देखिए आपको अगर फिश नहीं खानी है तो आप मत खाइए, लेकिन सामने वाले को तो खाने दीजिए। और अपने सर पे ये चिड़िया का घोंसला लेकर घूमती है, कोई कुछ कहता है उन्हें? और बेचारे कमिश्नर साहब को उनकी वजह से ऐसी ऐसी जगहों पर छिप छिप के फिश खानी पड़ती है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें डॉली। और अरे और क्या, देखो उनको अगर गाली देनी है और कोसना है तो हिंदी भाषा में कोसो, हिंदी भाषा में गाली दो। अरे मराठी में ऐसी बड़ी बड़ी गालियां देती हैं कि हमारे बेचारे कमिश्नर साहब रात रात भर जागकर मराठी डिक्शनरी में उन गालियों का मतलब ढूंढते रहते हैं और जैसे मतलब पता चलता है वो और नहीं सो पाते बेचारे। और अरे और क्या, अरे देखो वैसे स्वीट है, प्यारी है, अच्छी है, भली भली औरत है, लेकिन देखा जाए तो अपनी जवान बेटियों के साथ इस तरह हर वक्त चिपक चिपक के तो नहीं घूम सकती है ना। हर इंसान को स्पेस देना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अपनी जवान बेटियों के साथ चिपक चिपक के घूमेंगी तो नाती वातियों की शक्ल कैसे देखेंगी? और कुछ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम नहीं नीना जी बोल रही हैं? मैं नीना नाडकर्णी ही बोल रही हूँ मानव। लगा मुझे। अब अगर मैं ये बहाना दूं कि मुझे कभी कभी ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं जब मैं अच्छे भले लोगों को बहुत भला बुरा कह जाता हूँ, तो ये बहाना चलेगा आपको? अरे ढोपशा हटलेली गादी, अरे बसम्या रोग झालेल्या माणसा येऊन फुकटचा आमच्या रेस्टॉरंट मध्ये खात असतोस, तुला लाज नाही वाटत? लगा मुझे, मुझे लगा कि ये वाला बहाना नहीं चलेगा। तो अगर मैं आपसे सीधे सीधे माफी मांग लूं, सॉरी बोल दूं, मतलब मैं आपसे कहूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने बहुत सारी बेकार की बातें कह दी, तो क्या आप ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ है आप इसे भूल 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 सकती हैं? अरे माकड तोंडाच्या, लोकांच्या छातीवरती बसून नुसता खात असतोस, अच्छा माणसाला मी माफ करू? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। और बताइए नीना जी क्या चल रहा है, सब ठीक? May I come in, sir? Hello, sir. Hello. दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? कोई आपका कब से इंतजार कर रहा है। कौन? वही जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखो सुंदरी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना बंद कर दो। अरे सर, मैं तो आदित्य सर के बारे में बात कर रही थी, वही आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा आदित्य, हाँ समझ गया समझ गया। सर क्या आपके बाल ऐसे खड़े क्यों हो गए? ఈ మురళి చిన్న చిన్నగా దరుదు క్యాబేజీ నువ్వు నిద్రపో ఏం పని చేస్తలేవు పని చేయి మంచిగా ఏం చేస్తున్నావు ఆ డిష్లో జాబ్ చేయి మంచిగా జాబ్ చేయరా కట్టప్ప क्या करते कोच गड़बड़ने होने उंगते ऐसा खाना मगर बनाने का एकदम ऐसा बनाने का सब लोग एक दूसरे को खाना मांगते ये सोमप्पा क्या करते कितना मसाला डाले अरे मसाला कम डालने का इसको तड़का लगा के रखने का रे इससे बोलने कितना बोलना पड़ता है इसको समझता नहीं कुछ असमन्ना कौन है मई है नहीं नहीं जनवरी है मई है अरे जनवरी है अयो असमन्ना मई है ऐसे बोलते मुझे लगा कि बोल रहा है कि मई का महीना है इसलिए मैं सॉरी सॉरी हम मुंबई पुलिस से हैं मैं तेलंगाना से अयो अयो कट्टप्पा अपना धंधा कितना अच्छे चलते रे देखा आपने तो क्या दूँ इडली डोसा बड़े सांभर क्या खाने को दूँ शाम तो चुपचाप खिला रहे तो खा लेते मैं तो कैसे ओ अन्ना ज्यादा होशियारी मत दिखा और पुलिस के साथ चढ़ी बात कही ना तो लॉकअप में बंद करके 2 सेकंड में सीधा कर दूंगा अभी और बता फटाफट ये पायल और शगुन की किडनैपिंग के साथ तेरा क्या कनेक्शन है यो किडनैपिंग नहीं ना किडनैपिंग से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ओ जो भी है सच सच बता दो तुम्हारी कुंडली निकाल चुके हैं हम और हमें पता है कुछ साल पहले तक अपने गाँव में तुम किडनैपिंग का ही काम करते थे और इस चक्कर में जेल भी जा चुके हो अब सच बोल दे वरना ऐसा टॉर्चर करेंगे कि तेरी चीख निकल जाएगी अयो उनका हाथ हटाओ कभी ऐसी बात कर देता बॉयल वाटर सांभर बनाने के रखा है इतना गर्म पानी यहाँ पे कौन रखता है ठंडा पानी रह सकता था तू गाड़ी की तरह यहाँ से वहां डोल रहा है एक जगह खड़ा नहीं हो सकता अन्ना औसम इससे पहले बिगाड़ दूं मैं तेरा मौसम चुपचाप सच सच बोल दे मैं तिरुपति बालाजी की कसम खा के बोलते मेरे ये किडनैपिंग से कोई कनेक्शन नहीं है मैं देखो ये कैटरिंग का कितना स्ट्रेट धंधा करते हैं अपने स्ट्रेट लाइफ जीने के लिए इसमें स्ट्रेट क्या है तुम्हारे धंधे में तुम्हारा तवा गोल है भगोना गोल है तुम्हारा डोसा गोल है कढ़ाई गोल है प्लेट गोल है चम्मच गोल है और बता दे क्या क्या गोल है तू भी गोल है सही है अन्ना तुमने कहा और हमने मान लिया ऐसे 36 लोगों से रोज पाला पड़ता है हमारा पुलिस में अगली बार आऊंगा मैं सबूत के साथ और फिर तुझे लेके जाऊंगा मैं अपने साथ डोसे तवे पे बिठाकर मैं भी डालूं हाँ डाल कभी और डालूंगा मानव सुन मुझे नहीं लगता कि इस अन्ना ने कुछ किया होगा क्यों क्योंकि इसका मुंबई में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है फिर ऐसा कौन है जो जोशी परिवार में रहकर जोशी परिवार को चूना लगाने की कोशिश कर रहा है यार मानव कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल को किडनैपर्स के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लग गई हो जो किडनैपर्स के लिए खतरा बन सकती है इसलिए इससे पहले पायल हम तक पहुंचे किडनैपर्स ने पायल को ही गायब कर दिया ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन पता लग गई होगी उसे एक सेकंड हेलो इंस्पेक्टर साहब जोशी बोलू वो किडनैपर को वापस फोन आयो एक एड्रेस भी दियो 2 करोड़ रुपए लेके फौरन पहुंच जाओ ऐसा बोलो फोन रखता हूँ मोबाइल को बिल बढ़ेगा कौन था जोशी सर एक रिक्वेस्ट थी आप प्लीज गोली वोली मत चलाइएगा क्यों नहीं अगर आपका निशाना चूक गया और किडनैपर्स बच गया तो मेरी शगुन की जान खतरे में पड़ सकती है ना ऐसा है मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कर तुझे यहाँ लेके आए क्योंकि ये तेरी जिद थी अब चुपचाप बैठ और मुझे मेरा काम करने दे जल्दी से गाड़ी धक्का मानव शामी अरे भाई साहब तू जीप से उतरा क्यों? तुझे क्या लगा तू जीप से तेज भाग के उन्हें पकड़ सकता है? ऐसा मुझे लगा नहीं। तो ऐसा मेरा विश्वास है। इस विश्वास की ना चटनी बना के चाट ले। भाग गए वो दोनों। भागे नहीं, स्कूटी पे गए। गुड, वेरी गुड। ये होता ऑफिसर्स। हाँ, क्या कमाल का काम करके आया मालूम है? अरे स्कूटी पे आया था किडनैपर्स, अब कर चला गया, पकड़ नहीं पाया। सर कौन था? कौन कौन चला नहीं पाया? सर मेरी बात ये रहा है, लेकिन भागकर पकड़ नहीं पाया। सर मेरी बात सुनिए सर। मैं क्या लगता है साहब आपको क्या लगता है ये हमारे लिए काम करता है या क्रिमिनल्स के लिए काम करता है? नाक कटवा दी मानव तूने, मेरी नाक कटवा दी मानव देसाई कहीं का। समझ में नहीं आता किस गधे ने तुमको पुलिस की नौकरी दी? ये तो आपने ही थी जीजा जी। मर गया जीजा जी, खबरदार आज से मुझे जीजा जी कहा तो। मैं तुम्हारा डीजीपी हूँ। क्या हूँ? डीजीपी जीजा जी। फिर जीजा जी, सॉरी डीजीपी सर। करेक्ट, लेकिन आप पॉजिटिव साइड देख नहीं रहे हैं। देखिए 2 करोड़ रुपए गए मैं मानता हूँ, लेकिन वो लड़की शगुन तो वापस घर पे पहुंच गई है ना। हाँ वो आया था जोशी जी का फोन, वो वापस घर पे पहुंच गई है, और साथ साथ में वो डिजाइनर पायल वो भी फ्री हो गई है। अब आप ही बताइए वो तो फ्री में ही फ्री हो गई ना, किडनैपर ने उसे भी छोड़ दिया। एक पे एक फ्री फ्री फ्री। और अब शगुन की कल शादी हो रही है, अब सोचिए पुलिस डिपार्टमेंट को कितनी दुआएं दे रही होगी वो। लेकिन सर अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर किडनैपर्स को फिरौती लेके शगुन को छोड़ना ही था तो फिर पायल को किडनैप क्यों किया? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं यहाँ मामले को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मामले को फैलाता ही जा रहा है। अरे पायल को क्यों किडनैप किया उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मानव देसाई। आप इसे छोड़िए सर, मेरी बात सुनिए सर। मुद्दे की बात यह है कि मुद्दा सुलझ चुका है, इट इज अ हैप्पी एंडिंग। अब सर वो 2 किडनैपर नहीं पकड़े गए तो क्या हुआ सर? और किसी किडनैपर को पकड़ लेंगे, बहुत हैं। देखा सर ये आपका साला कैसा मेंटल की बात करता है। साला से याद आया सर, वो जो आपने उनको कुत्ता दिया था उसका मैं क्या करूँ? गोली मारो उस कुत्ते को, तोप से उड़ा दो, घूम डालो कुत्ते के बच्चे को। ऐसे कुत्ते से तो बेकुत्ता अच्छा होना है। कुत्ता 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 खून पी गया मेरा कुत्ता। लेकिन वो कुत्ता का भेंग जो है उसका क्या करूं? अरे उसको भी देख लूंगा मैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं जो 2 पुलिस वाले हैं उन्हें इस केस से दूर रखने के लिए। देख कितने महंगे कपड़े हैं यार, 50,999। सर एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज गोली वोली मत चलाइएगा। अरे स्कूटी भी आया था किडनैपर्स। क्या हंसता है? एक कुत्ते का जान जोड़ा है तुम हंसता है? नहीं सर आपकी बात पे नहीं हंस रहा सर। तो सर केस सॉल्व सर। मुझे पता लग गया है कि किडनैपर्स कौन है और इस समय कहां मिलेंगे, बस उनको जाकर अरेस्ट करना ही बाकी है। अरेस्ट करना बाकी है? वो तुम्हारा इंतजार करता होगा मेहंदी लगाकर और इसको बजाकर, मतलब ढोल बजाकर। मानव चल, मेरे को ढोल बोला मैं नहीं आऊंगा। गोगोल, कुत्ते को गोली मारने वाली बात को सीरियसली मत लेना, वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था फ्लो में आके, है ना। अगर कुत्ते को जरा भी खराश आई तो वो कुत्ते का बहन कुत्ते का जीजा जी को कुत्ते का माफी घसीट घसीट कर कुत्ते का बहुत मारेगा। और अगर ऐसा हुआ तो कुत्ते का जीजा क्या करेगा? हमको घसीट घसीट कर कुत्ते का बहुत मारेगा। ये बात समझदार हो जी। सर मेरा डंडा रह गया था सर। क्या तो बात सब ठीक? ओके भाई सी यू। ओके गोगोल तुम काफी समझदार हो। हाँ एक बार तो एक बार फिर एक बार इधर जाओ, यही करवाते हैं। किस मिस? नहीं बापू बापू ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ये क्या बकवास है? ये जो किडनैपिंग है ये मैंने खुद करवाई है। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब तो कुछ ऐसा ही है। देखिए अहम बात तो ये हुई कि अगर ये सारा खेल आपका रचाया हुआ नहीं होता और ये असली के किडनैपर्स का होता, प्रोफेशनल्स लाइक अस, नहीं मतलब हम तो पुलिस वाले हो गए, वो किडनैपर प्रोफेशनल, तो फिर पायल क्यों किडनैप होती? किडनैपर्स का पायल से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि किडनैपर्स का फायदा तो आपसे हो रहा था, क्योंकि आपके पिताजी दे रहे थे पैसे ना। पायल इसलिए किडनैप हुई क्योंकि पायल इस गेम का सबसे कमजोर मोहरा थी, और जैसे ही शगुन को पता चला विक्रम के जरिए कि हम पायल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत उसके मन में डर जागा कि अगर कहीं हम गलती से पायल तक पहुंच गए और पायल ने सब कुछ उगल दिया तो तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जी 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 जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तो हमारे साथ ऐसा करेगी। अपने ही घर में डाका डाला था ने? तो क्या करती मैं दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था बापू ने। हम घुटता था मेरा यहाँ बापू की वजह से, इनकी कंजूसी की वजह से, इस घर के माहौल से। बचपन से लेकर आज तक बहुत सपने थे मेरे शादी को लेकर, सोचा था अरे अरे संभालिए इन्हें। अरे इन्हें क्या संभाल रहे हैं आप, ये दुल्हन है। संभालिए। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी बारी को संभालिए ना यार। सॉरी सॉरी सॉरी। आई डोंट यार। देखिए किडनैपर को पकड़ना हमारा फर्ज है, लेकिन किडनैप हुए इंसान को छुड़ाना भी तो हमारा फर्ज है। ये किडनैपर है, किडनैपी भी यही है, यानी कि जिनका किडनैप हुआ वो भी तो यही है। मानव ये मुजरिम है लेकिन इनोसेंट भी यही है, हमें इन्हें पकड़ना होगा। अरे लेकिन छुड़ाना भी तो होगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश। अरे क्या हुआ यार? देखिए सारे बाराती और रिश्तेदारों को मद्देनजर रखते हुए हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि शगुन के बेकसूर है। अरे कह रहा बेकसूर है। हाँ वो बेकसूर 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 है। देखिए शगुन, आप अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं, तो आपको नए जीवन के लिए ऑल द बेस्ट, और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं रहने दीजिए, मैं बताता हूँ आप शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हैं। कुछ मीठा खिला दीजिए, मीठा खिला दीजिए, हो जाएगा। हाँ भाई मीठा खाना तो बनता है। अरे मीठा क्या, तुम्हें लंच खिलाता हूँ, चलो। कहाँ जाना कहाँ है? अरे वो सुरेश भाई के वहाँ आज रात का खाना है, पेट भर के खा लेना और घर के लिए टिफिन भी भर लेना। नहीं नहीं श्राद्ध में जाके क्यों खाऊंगा मैं, तो फिर गुरुद्वारे चलो, लंगर खिलाता हूँ। लंगर खाने क्यों जाएंगे, नहीं रहने दीजिए। पिछली गली में भंडारा है, उधर चले। अरे मैं शादी में आया हूँ, मैं भंडारे पे क्यों जाऊंगा? अरे फिर तो हनुमान जी के मंदिर में जाके 2 केले तो खा लो। अरे मैं बंदर हूँ क्या, मैं केले क्यों खाऊं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।